नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अस्थाना। सप्तक क्या होता है, ऑक्टेव क्या होता है? सप्तक सात सुरों से बना है और ऑक्टेव आठ सुरों से, ये मामला क्या है, ये गुत्थी क्या है, तो इसको हम सुलझाएंगे। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सो आर यू रेडी टू गो? ग्रेट, लेट्स गो टुगेदर। सप्तक संस्कृत के सप्त शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सात। तो क्रमानुसार सात शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। अब ये शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, चल स्वर, अचल स्वर, ये सब क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। तो अब लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं जो सप्तक में सात शुद्ध स्वर कौन कौन होते हैं। तो इनको हम कहते हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो सारे गम पधनी, ये सात जो शुद्ध स्वर हैं, इन्हीं के एक क्रमबद्ध इनकी जो फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, तो इसको पूरा हम सप्तक कहते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं ऑक्टेव की। तो ऑक्टेव जो है वो लैटिन शब्द ऑक्टेवस से बना है, राइट। ऑक्टेवस मींस एट्थ, आठवां। अब बात तो वही है कि हम जो सारे गम पद नी सा, ये नी तक हम जाते हैं एक्चुअली में। प्रैक्टिकल में हम सा जरूर करते हैं, लेकिन जो हम सारे गम पद नी करते हैं वही चीज डोरे मी फा सोला टी, यहां तक वेस्टर्न म्यूजिक में होता है। एंड डो जो होता है, अगेन जो आता है वो दूसरे सप्तक की वहां से शुरुआत होती है, राइट। और मेन यहीं पे बात समझने की है कि जो इंडियन म्यूजिक में जो सप्तक है वो सात सुरों पे बात करता है और आठवें सुर को लेता है प्रैक्टिकल जब प्रैक्टिस किया जाता है, जबकि जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो जब ऑक्टेव की बात करता है तो वो आठवें सुर को भी उसमें शामिल कर लेता है। जो ऊपर का जो आठवां सुर है, तो बात हम चाहे ऐसे करें, एक्चुअली में देखा जाए तो बोथ थिंग्स आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक ही बात हो रही है। हम करते हैं सारे गम पधनी सा, सा को हम गाने में करते हैं सारे गम पधनी सा, तो ये आठवां सुर सा है। लेकिन और इंग्लिश में बोलते हैं डो रे मी फा सोला टी डो। तो जो हम लेकिन थ्योरेटिकली जब हम बात करते हैं तो सा से लेके नी तक को हम जोड़ते हैं एक सप्तक में, ठीक है। जबकि ऑक्टेव में वो जो एट्थ नोट जहां से अगले सप्तक की शुरुआत हो रही है तो उसको भी वो सम्मिलित कर लेता है, ठीक है, थ्योरेटिकली। और प्रैक्टिस में हम लोग ऊपर के सा को भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये बात समझना जरूरी है, आप सोच रहे होंगे जो बिल्कुल म्यूजिक में नए हैं कि भाई ये ऊपर का सा और नीचे का सा ये क्या होता है। तो यहां पे हम आ जाते हैं कि सप्तक कितने तरह का होता है। अब देखिए सप्तक जो है, हम आम बोलचाल की भाषा में जिस तरीके से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये एक मध्य रेंज है, जिसको चेस्ट रजिस्टर हम कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। तो ये जो मध्य इसमें हम जो बात करते हैं एक पिच में, तो उसी तरीके से हम जो गाने में सहज तरीके से गाते हैं वो अधिकतर मध्य सप्तक में होता है, ठीक है, जो हम ज्यादातर हम सुनते हैं जब भी सारे गम पद नि सा। अब लेकिन ये सा के बाद अगर ऊपर अगर सुर लगाना तो वो तार सप्तक कहलाता है, राइट। मीन्स सारे गम पद नि सारे गम पद नि, ये फिर तार सप्तक हो जाता है, राइट। अब इसके नीचे सरेगा सनिधा पमगरे सा, ये हो गया मंद्र सप्तक। यानी सप्तक कितने हो गए, तीन तरह से हो गए, राइट।
एक हो गया मंद्र सप्तक जिसको इंग्लिश में लोअर ऑक्टेव कहते हैं, उसके बाद मध्य सप्तक हो गया जिसको मिडिल ऑक्टेव कहते हैं, और एक हो गया तार सप्तक जिसे हम हायर ऑक्टेव कहते हैं, राइट। तो इस तरह से देखा जाए तो सप्तक और ऑक्टेव एक ही चीज है, सिर्फ यही है कि हम शाब्दिक रूप से ऑक्टेव में आठवें सुर को भी पकड़ लेते हैं, और हम जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें हम सात सुरों तक ही केंद्रित रखते हैं, ठीक है, और आठवें सुर से हम नया सप्तक को करते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में भी प्रैक्टिकल में वो आठवें सुर से नया ऑक्टेव ही शुरू हो रहा है, लेकिन उनके जो डेफिनेशन में जो शब्द इस्तेमाल होता है ऑक्टेव, और जो मैंने बताया कि लैटिन शब्द से आया है और जिसका अर्थ होता है एट्थ, तो वो वहां पे वो आठवां सुर को भी ले लेता है, ये बताने के लिए कि फ्रॉम दिस पिच एंड फ्रॉम दैट टू दैट पिच, ये जस्ट डबल है फ्रीक्वेंसी, यू नो, फ्रॉम जो नीचे का सा है और जो ऊपर का सा है उसमें जस्ट डबल, उसका जस्ट डबल हो जाता है वो फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने ऑक्टेव शब्द नाम दिया है, और हिंदुस्तानी म्यूजिक में यू नो उसको हम सप्तक कहते हैं, ठीक है। तो बात है कि नाक को सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, लेकिन नाक ही पकड़ना है, प्रैक्टिस सब यही सात सुरों की करते हैं, इज दैट क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, सप्तक और ऑक्टेव को लेकर के, और कुछ भी आपको कुछ भी अगर यू नो क्वेरी करनी हो या कम्युनिकेट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर यू नो आप लिखें, और फिर मिलते हैं मंगलवार को एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।